तो फाइनली दोस्तों खिलाड़ी कुमार ने अपने फैंस को एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की मूवी जो है बेल बॉटम, उसका टीज़र हाल ही में रिलीज़ कर दिया गया, अभी पिछले दिनों ही। आपको दोस्तों बता दें कि यह टीज़र पूजा इंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो टीज़र है वो काफ़ी शानदार है। टीज़र को अभी लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि टीज़र तो काफ़ी बेहतरीन है, साथ साथ एक बार फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बेल बॉटम मूवी का वो सभी के दिलों पर छा गया। इससे पहले छोटा सा टीज़र रिलीज़ किया गया था लक्ष्मी बॉम्ब मूवी का, और उसका भी बैकग्राउंड म्यूजिक सभी को खूब पसंद आया था। आप कमेंट्स चेक कर लीजिए, जो टीज़र रिलीज़ किया गया था उसमें सभी ऑडियंस यही कह रही है कि टीज़र का बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी शानदार है। वैसे ही दोस्तों बेल बॉटम का भी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो काफ़ी शानदार है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार के लुक की, तो अक्षय कुमार इस मूवी में एक रॉ के एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। दूसरी ओर दोस्तों आपको बता दें कि जो ये टीज़र है वो काफ़ी बेहतरीन है। टीज़र के स्टार्टिंग में ही दोस्तों अक्षय कुमार का बेल बॉटम का जो पैंट है वो दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेल बॉटम जब 80s का ज़माना था तो सभी बेल बॉटम टाइप के पैंट्स पहना करते थे, उसी तरह का सेम टू सेम पैंट पहना है अक्षय कुमार ने। दूसरी ओर दोस्तों अक्षय कुमार स्वैग से चश्मा लगाते हुए नज़र आते हैं टीज़र में, वो भी लुक काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद दोस्तों वो आगे एक ट्रक पर ऐसे खड़े हुए नज़र आते हैं, वो भी लुक काफ़ी बेहतरीन है। तो ऑलमोस्ट लुक्स तो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है साल 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड जो है वो एक बार फिर से अक्षय कुमार के ही नाम होने वाला है। अगर थिएटर्स खुल जाते हैं तो ये सारी मूवीज़ काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली हैं, और बेल बॉटम तो लग रहा है कि 300 करोड़ क्लब में आसानी से जाएगी, क्योंकि इसका लुक काफ़ी बेहतरीन है। दूसरी ओर दोस्तों आपको बता दें कि म्यूज़िक तो काफ़ी बेहतरीन है इस मूवी में। इसके अलावा वानी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता भी नज़र आने वाली हैं, क्योंकि एक अहम किरदार में नज़र आएंगी। तो यानी दोस्तों एक्शन, रोमांस, कहा जाता है ना कि देशभक्ति भी जिस मूवी में दिखाई जाती है वो मूवी काफ़ी शानदार रहती है और ऑडियंस के दिलों पर छा जाती है। तो कुछ उसी तरह की ये टाइप की मूवी होने वाली है। अक्षय कुमार इसमें एक रॉ के एजेंट का किरदार निभाएंगे, जो कि बहुत ही चतुर और चालाक है और हर तरह से अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। दोस्तों स्टोरी काफ़ी शानदार है, जो कि एक 80s के रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। दोस्तों आपको बता दें कि मूवी तो काफ़ी बेहतरीन है और सभी को खूब पसंद आएगी। आपको बता दें कि इससे पहले उनकी अभी दो मूवीज़ पेंडिंग में है, जो कि है सूर्यवंशी और लक्ष्मी बॉम्ब। उसके बाद ये मूवी हमें देखने के लिए मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों ट्रेलर की बेल बॉटम के, तो उसके लिए हमें लगभग 5 से 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इतनी गारंटी है कि यह मूवी जो है बेल बॉटम वो सबसे बेहतरीन कमाई करेगी, चाहे क्लैश करे या फिर सिंगल रिलीज़ हो बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों मूवी काफ़ी अच्छी लग रही है, अगर ऐसे ही रहा और ट्रेलर में भी ऑडियंस का दिल जीत लिया तो ये मूवी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। आपको क्या लगता है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई करेगी, कमेंट में ज़रूर बताएगा। आपको कैसा लगा टीज़र, अगर आपने देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा।